विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम भारत के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हिंदी में देखेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो वे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत करता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत करता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, या शांति और सत्य का संकेत करता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास और उर्वरता का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें कुल 24 तीलियां हैं। और जो आपकी 24 तीलियां होती हैं इसलिए हैं क्योंकि एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं, और यह दर्शाता है कि 24 घंटे का उपयोग हमें कैसे करना है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत का प्रतिवर्ष बृहत्तम पशु मेला लगता है, यानी भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर में। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध बना है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल है इसमें। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? पूरे भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। वह नदी घाटी, अगला आपका जो प्रश्न है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर को।
भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को। शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। केरल में शांत घाटी है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है? यानी भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है जो इसे बांटती है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? यह प्रश्न तो अक्सर देखने को मिलता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन होगा, इसे हम कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। अगला आपका प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र में सटे हुए हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय। अगला जो आपका प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसे हम भाभर कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सा है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। अगला आपका प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर शीत ऋतु में वर्षा होती है? सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला आपका प्रश्न है, भारत के
पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? इसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।